हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मार्केट चैप्टर के एमसीक्यूज जो आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इट सेज इन द टेबल बिलो व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। सी, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। सो इफ़ आई सी दिस टेबल, ये जो स्केड्यूल गिवन है, डिमांड और सप्लाई इक्वल है, जो प्राइस 4 है, और वही बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस, कि अपने आप मार्केट का क्या प्राइस डिसाइड हो जाएगा। तो इट विल बी 4। 4 से कम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। 4 से ज़्यादा क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहाँ पे डिमांड कम है। डिमांड और सप्लाई इक्वल होनी चाहिए। तो आंसर इज ₹4, विच इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, अज्यूम दैट वेन प्राइज इज ₹20, क्वान्टिटी डिमांडेड इज 9। When price is ₹19, quantity demanded is 10. Based on this information, what is the marginal revenue resulting from an increase in output from 9 to 10 units? कह रहे, जब output 9 से 10 हो गया तो marginal revenue calculate करो। See, marginal revenue का formula होता है delta TR by delta Q. तो मुझे पहले calculate करना पड़ेगा TR. TR का formula होता है P into Q. So ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 190. अब मैं MR calculate कर लूँगी। डेल्टा टी आर मतलब न्यू टी आर माइनस ओल्ड, मतलब 190 माइनस 180 डिवाइड बाई चेंज इन क्यू, सॉरी ये नहीं, ये तो प्राइस है ना, चेंज इन क्यू 10 माइनस 9। सो आंसर विल बी सी 10, 10 अपॉन 1 आ रहा है ना, तो आंसर इज 10। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 डिट्टो कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। प्लीज़ ट्राई इट योर सेल्फ एंड कॉमेंट में अपना आंसर मत लिखना भूलना, आंसर मत लिखना भूलना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगी इफ इट्स राइट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 4th कह रहे, सपोज अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग एट अ लेवल ऑफ आउटपुट सच दैट एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5-star। अगर एम आर ग्रेटर एम सी से, तो दिस इज अ वेरी फेवरेबल सिचुएशन, कि हर एडिशनल यूनिट से जो हमारी कमाई हो रही है वो ज़्यादा हो रही है और उस एडिशनल यूनिट पे लगने वाली कॉस्ट कम है, तो ये तो बहुत अच्छा है। हम उसे बोलेंगे प्लीज़ कंटिन्यू प्रोडक्शन, इंक्रीज करो अपना आउटपुट। और अगर अब सामने वाला पर्सन ये कहे कि मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ लेकिन वो बिकेगा कैसे, तो डू यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको सामान एक्स्ट्रा बेचना है, अगर आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो आपको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, राइट? और आप कम कर भी सकते हो, बिकॉज आपका एम आर और एम सी में बहुत गैप है, कमाई ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा एम आर कम करते रहना, सामान भी बिकता रहेगा, तब तक करते रहना जब तक कि एम आर एम सी के इक्वल ना हो जाए। ये इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि कब तक आउटपुट को एक्सपैंड करना है, जब तक कि एम आर एम सी के इक्वल ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, एम आर इज इक्वल टू, एम आर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी भी डिस्कस किया था, चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू। सो ये हमें दिख जाएगा, चेंज इन प्राइस नहीं होता, चेंज इन क्वांटिटी नहीं होता, टी आर का मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है ना, सो चेंज इन प्राइस इंटू क्वांटिटी ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन दी आउटपुट। ये क्वांटिटी किसकी होती है? इनपुट की नहीं। रेवेन्यू का मतलब कि कितना आपने पैसा कमाया है यूनिट्स को बेच के, दिस इज क्वांटिटी सोल्ड नॉट प्रोड्यूस्ड, सो आउटपुट मीन्स क्वांटिटी सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, कह रहे, सपोज दैट अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ ₹1 लाख एंड इज इनकरिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ 75,000। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट, कि 75,000 हमारी एक्चुअल कॉस्ट आई है। एंड कह रहे, अगर ओनर किसी और के लिए काम करता, नहीं कर रहा, ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है ना, ओनर सारा काम यही कर रहा है, अपनी फर्म में एफर्ट्स डाल रहे हैं, कह रहे अगर वो किसी और के लिए काम कर रहा होता तो वो साल के 30,000 कमा सकता था, बट अब नहीं कमा पा रहा ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप समझते हैं आप क्यों नहीं कमा पा रहा? क्योंकि वो अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम कर रहा है, तो इस बिजनेस में काम करने के लिए उसको 75,000 रुपीज तो एक्सपेंडिचर करना ही पड़ रहा है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट। 30,000 ऑल्सो ही इज लूजिंग, दिस इज लाइक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर इस बिजनेस में काम करना पड़ेगा ना, तो ही विल हैव टू सैक्रिफाइस 30,000 रुपीज। सो इकोनॉमिक्स में इस सैक्रिफाइस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब क्वेश्चन में पूछा है, वी वुड कंक्लूड दैट फर्म इज इनकरिंग एन इकोनॉमिक लॉस। तो पहले मैं आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट या इकोनॉमिक लॉस का फॉर्मूला बता दूं। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज पुट करूँ तो मेरे प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला आ रहा है, आंसर आ रहा है 1 लाख माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 75,000 एक्सप्लिसिट कॉस्ट और 30,000 होगी इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो आप देख रहे हैं नेट लॉस आ रहा है 5,000 का, तो ए पॉइंट करेक्ट है, बट बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट 25,000 है, नहीं, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज 30,000। टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट इज 1 लाख, नहीं, इट इज़ 1,05,000। इंडिविजुअल इज अर्निंग एन इकोनॉमिक प्रॉफिट, नहीं, इंडिविजुअल को इकोनॉमिक लॉस हो रहा है,
-5000 का, तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन. क्वेश्चन सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन. गाइज ये जो फीचर्स आप देख रहे हो ए बी सी डी, ये सारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स होते हैं. प्योर कॉम्पिटिशन में पहले तीन फीचर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री. एबसेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम प्योर कॉम्पिटिशन में नहीं कंसिडर करते, हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कंसिडर करते हैं. तो क्वेश्चन का आंसर है डी, क्योंकि डी नहीं होता प्योर में. क्वेश्चन नंबर एट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म के डिमांड कर्व की क्या शेप होती है. गाइज इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि प्राइस फिक्स्ड होता है. बिकॉज परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, उसको जो प्राइस बता दिया उसको वही एक्सेप्ट करना पड़ता है. ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, अपना आउटपुट ज़्यादा बेच सकते हैं. दे कैन ओनली चेंज देयर आउटपुट लेवल बट दे कैन नॉट चेंज दी प्राइस. उनका डिमांड कर्व हो रहा था, डिमांड कर्व होता है हॉरिजॉन्टल. वॉट इज़ दी कंडीशन फॉर द प्रॉफिट्स टू बी मैक्सिमम. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉफिट्स मैक्सिमम होते हैं जब आपका एम सी एम आर के इक्वल होता है. इट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इस क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकते थे, विच इज़ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर लॉसेज टू बी मिनिमम. एम सी इक्वल टू एम आर को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, उस पर प्रॉफिट्स मैक्सिमम भी होते हैं और लॉसेज मिनिमम होते हैं, बेस्ट पॉइंट बोलते हैं हम इसको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर. सी अगर प्राइस टेकर लिख दिया ना, प्राइस टेकर फॉर्म्स, तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात हो रही है. बिकॉज परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही जो फॉर्म होता है ना, वो प्राइस मेकर नहीं होते, प्राइस टेकर होते हैं. कह रहे हैं इनमें कौन सा फीचर इसमें वैलिड नहीं होगा. टी आर का फॉर्मूला तो सेम होता है हर मार्केट में, पी इंटू क्यू. एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के इक्वल होता है. क्यों? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टी आर बाई क्यू. टी आर को आप पी इंटू क्यू लिख सकते हो एंड एवरेज रेवेन्यू पी के इक्वल होता है. थर्ड, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व. मैंने अभी डिस्कस करा था कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो फर्म होती है उनका डिमांड कर्व क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, नेगेटिवली स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता. तो आंसर इज सी. बट डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं. कह रहे हैं एम आर पी के इक्वल होता है. यस, प्राइस टेकर में देखो क्या होता है, हर एडिशनल यूनिट बेच के प्राइस ही आएगा आपका, जो भी, क्योंकि प्राइस फिक्स्ड है ना, प्राइस फिक्स्ड है. यही पी है, यही एम आर है, यही ए आर है. हर एडिशनल यूनिट बेच के भी जो पैसे आएंगे वो फिक्स्ड है. इट इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ द गुड. क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, विच ऑफ द, अच्छा आई होप आपने अब तक मेरी चीज़ नोटिस करी है. जब भी कोई नेगेटिव क्वेश्चन हो ना, लाइक जैसे नॉट है, वर्ड को हाईलाइट कर लिया. एग्जाम में भी अगर नॉट वाले क्वेश्चन होंगे ना, प्लीज़ उसको इमीडिएटली हाईलाइट करना कि ये नेगेटिव क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ट्रू. इकोनॉमिक कॉस्ट में दो आती हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट इज लाइक द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बी ऑप्शन, अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एब्सोल्युटली ट्रू, अकाउंटिंग कॉस्ट को तो हम बोलते ही एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. थर्ड कह रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी लेस देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट. मैं दोनों में पहले डिफरेंस बता दूं. अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू में से जब हम सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस करें, और इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है जब हम टोटल रेवेन्यू में से अकाउंटिंग कॉस्ट भी माइनस करें और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी. तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक प्रॉफिट कम ही आएगा क्योंकि उसमें खर्चे ज़्यादा लिए जा रहे हैं. सो सी इज ट्रू. एंड डी में कह रहा है अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल. सी भी ट्रू हो गया, ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है. तो मेरे क्वेश्चन का आंसर तो डी है, क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछ रहे थे ना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. बट डी पढ़ लेते हैं. कह रहे हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट. नहीं, माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट. अकाउंटिंग का दूसरा नाम होता है एक्सप्लिसिट. तो ये फॉर्मूला गलत हो गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन 12 कह रहे विद अ गिवन सप्लाई कर्व अ डिक्रीज इन डिमांड विल कॉज. देखो आई कैन सी इन द क्वेश्चन ऑप्शंस में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की बात करी गई है. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई विल मेक अ ग्राफ. ये हो गया मेरा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग. कह रहे हैं सप्लाई कर्व तो गिवन है, मतलब उसको चेंज मत करो. डिमांड डिक्रीज हुई है. अगर डिमांड डिक्रीज करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, ये ओरिजिनल प्राइस है. अब क्वेश्चन में लिखा है कि डिमांड डिक्रीज होगी, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया. दैट मीन्स प्राइस विल ऑल्सो फॉल एंड क्वान्टिटी विल ऑल्सो फॉल. ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं. प्राइस विल ऑल्सो फॉल एंड क्वान्टिटी विल ऑल्सो फॉल. आंसर इज सी. ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, दोनों फॉल हो रहे हैं एज यू कैन सी इन द ग्राफ. क्वेश्चन नंबर 13th कह रहे इट इज़ अज्यूम्ड इन द इकोनॉमिक थ्योरी. इकोनॉमिक्स में हम क्या अज्यूम करते हैं, दैट डिसीजन मेकिंग इज यूजुअली अंडरटेकन बाय द मैनेजर्स एंड नेवर बाय द ओनर्स. नहीं, ऐसा नहीं है. ओनर्स भी
एंटरप्रेन्योर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो एंटरप्रेन्योर ओनर होते हैं। बी कह रहे हैं अल्टीमेट गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, डेफिनेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल होता है, आंसर तो यही सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। सी एज द फर्म साइज इंक्रीज सो डू इट्स गोल्स, गोल तो इनका फिक्सड है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, छोटी फर्म हो या बड़ी फर्म हो। डी बेसिक डिसीजन मेकिंग यूनिट ऑफ एनी फर्म्स इज इट्स ओनर, ऐसा जरूरी नहीं है। डिसीजन मेकिंग आई थिंक आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट करते हैं ओनर्स, दे इन्वेस्ट मनी, बट डिसीजन मेकिंग का मेन काम होता है मैनेजमेंट के पास, एंड अक्सर ओनर्स ही मैनेजमेंट होते हैं, बट जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, अज्यूमिंग दैट कंज्यूमर्स इनकम एंड द नंबर ऑफ सेलर्स बोथ डिक्रीज, बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड दैट द इक्विलिब्रियम, अगेन इक्विलिब्रियम की बात आ गई ना, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, ये हमारा एग्जिस्टिंग प्राइस लेवल है, ये एग्जिस्टिंग क्वान्टिटी लेवल है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है तो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, एंड नंबर ऑफ सेलर्स भी डिक्रीज हो गया तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो ये जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ना, प्राइस विल रिमेन सेम, वॉट विल हैपन इज ओनली क्वान्टिटी विल फॉल, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइस विल रिमेन सेम, ओनली क्वान्टिटी विल फॉल, आंसर इज डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, इफ सप्लाई इंक्रीजेज इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन दैन डिमांड, सी अगेन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, आई विल हैव टू मेक अ ग्राफ, तो हम बना लेते हैं फटाफट से ग्राफ, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ये हो गया सप्लाई कर्व, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी। लेकिन हुआ क्या क्वेश्चन में, कह रहे सप्लाई इंक्रीज इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन दैन डिमांड, मतलब आप सप्लाई कर्व को ना ज़्यादा शिफ्ट करना राइट कर्व राइट की तरफ और डिमांड कर्व को कम शिफ्ट करना, तो देखो क्या हुआ, आई कैन सी प्राइस भी फॉल हुआ है और प्राइस फॉल हुआ है और क्वांटिटी राइज हुई है, सो क्वेश्चन में प्राइस फॉल और क्वांटिटी राइज, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी ग्रेटर दैन द ओरिजिनल प्राइस, नहीं न्यू प्राइस तो कम है, न्यू प्राइस विल बी ग्रेटर दैन द ओरिजिनल, न्यू प्राइस ग्रेटर नहीं है ओरिजिनल प्राइस से, न्यू प्राइस लोअर है, न्यू प्राइस लोअर है पर क्वांटिटी भी लोअर है, नहीं क्वांटिटी हायर है, न्यू क्वांटिटी तो हायर आएगा, इस डी ऑप्शन होगा, न्यू प्राइस विल बी लोअर एंड न्यू क्वांटिटी विल बी हायर, आंसर इज डी ऑप्शन। आप देखो न्यू प्राइस विल बी लोअर बट क्वांटिटी विल बी हायर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं सपोज देयर इज अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड क्वांटिटी, अगेन सिमिलर क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ग्राफ बना के करना है, खुद करोगे क्वेश्चन और कमेंट में आंसर लिखना, आई विल रिप्लाई बैक टू यू। क्वेश्चन नंबर 17, सपोज द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर्स इम्प्रूव, अगेन सिमिलर क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है इसमें ना, इन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया कि डिमांड और सप्लाई कैसे अफेक्ट हो रही है, तो हमें क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझना पड़ेगा। जैसे कह रहे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, आप समझते हो जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, एंड इंडिविजुअल्स ऑल्सो डिस्कवर न्यू यूजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, मतलब अब लोग यूज़ ज़्यादा करने लग गए हैं पर्सनल कंप्यूटर को, तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। आप ग्राफ बनाओ, डिमांड सप्लाई दोनों को इंक्रीज करना, यू विल गेट द आंसर, और आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड इक्विलिब्रियम 100% आएगा आपके पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ खुद ट्राई करना, नहीं होगा तो कॉमेंट्स में लिखना, आई गेट बैक टू यू। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट नेगेटिव क्वेश्चन, इज नॉट अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के क्या फीचर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होता है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स होता है, परफेक्ट मोबिलिटी मतलब इट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जो आना चाहे आ सकता है, जो जाना चाहे जा सकता है। सी में कह रहे हैं इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होता है, एडवर्टाइजमेंट करने की तो नीड ही नहीं होती, बिकॉज होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक ही प्राइस पे हर जगह मिल रहा है, देर इज एब्सोल्युटली नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, आंसर इज सी। सी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है मोनोपोलिस्टिक में। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स ये होता है, आउटपुट्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर, डेफिनेटली बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होमोजीनियस परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं। फर्म्स फेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, बिल्कुल भी नहीं, फर्म का डिमांड कर्व होता है हॉरिजॉन्टल। रिसोर्सेज आर वेरी मोबाइल, येस दे आर इजिली मूवेबल, फ्री एंट्री एग्जिट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, सो आंसर इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक
इज देयर एन ईज ऑफ एंट्री, फ्री एंट्री एग्जिट होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है मोनोपोलिस्टिक में, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट अलग होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ये भी ट्रू है, आंसर डी होना चाहिए, बट डी ऑप्शन देखते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट, आंसर डी है, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होता है मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोलिस्टिक में तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, अपने ब्रांड बिल्ड करते हैं और प्रोडक्ट अलग अलग होता है। क्वेश्चन 21 कह रहे हैं मोनोपोली में अराइज इन अ मार्केट बिकॉज, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मोनोपोली कब कब हो पाती है या क्यों हो पाती है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कह रहे सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द प्रोडक्शन, रिसोर्स मतलब इनपुट, कह रहे जो सामान बनना है ना उसका जो इनपुट है ना वो एक ही फॉर्म के पास है, अब एक ही जैसे पेट्रोल का आप एग्जाम्पल ले लो, लिमिटेड लोगों के पास है, लिमिटेड कंट्रीज के पास है, तो कहीं ना चाहते हुए भी उनकी मोनोपोली बन जाती है, दूसरे लोग उस बिजनेस में आ ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास इनपुट नहीं है। सेकेंड कह रहे गवर्नमेंट हैज़ गिवन दी फर्म पेटेंट राइट, आपने पेटेंट ले लिया गवर्नमेंट से कि ये प्रोडक्ट तो हम ही बनाएंगे। थर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स मेक प्रोडक्शन बाय सिंगल प्रोड्यूसर मोर एफिशिएंट, सी जो है ना ये भी ट्रू है, आंसर इसका डी है, सी ये गवर्नमेंट करती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है, स्केल का मतलब होता है लार्ज स्केल और इकोनॉमीज का मतलब होता है बेनिफिट्स। एक्चुअली होता क्या है कुछ बिजनेसेस में ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई होती है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, इंडियन रेलवेज को रन करना पूरी कंट्री में, इतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि उसमें ना प्रॉफिट तभी आएगा जब कस्टमर्स भी बहुत सारे होंगे। अब कस्टमर्स कब बहुत सारे होंगे, जब कोई और सेलर नहीं होगा कि सबको मजबूरी में हमारे पास ही आना पड़ेगा हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए, तभी हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉफिट आ पाएगा। तो ये गवर्नमेंट करती है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई होती है ना तो मोनोपोली कर लेती है कि कोई और नहीं आएगा इस बिजनेस में, नहीं तो अगर आ गए ना तो फिर तो हमें पक्का लॉस होगा इस बिजनेस में, लॉस मीन्स रिसोर्सेज विल गेट वेस्टेड, पब्लिक का पैसा वेस्ट हो जाएगा। सो मोनोपोली इन तीनों रीजंस की वजह से होती है, सो आंसर इज डी। ऑलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑलिगोपोली में क्या होता है फ्यू सेलर्स होते हैं, कह रहे फ्यू डोमिनेंट फर्म्स एंड सब्सटैंशियल बैरियर्स टू एंट्री, ऑलिगोपोली में बैरियर्स टू एंट्री भी होती है, अ फ्यू लार्ज फर्म्स एंड नो एंट्री बैरियर्स, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, देखो लार्ज फर्म होना जरूरी नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, वन डोमिनेंट फर्म एंड लो एंट्री बैरियर्स, नहीं, इसका आंसर विल बी, पहली बात तो ऑलिगोपोली में सब्सटैंशियल बैरियर्स होते हैं तभी तो वो ऑलिगोपोली है कि नए लोग इस बिजनेस में नहीं आ सकते हैं, एंड देर आर अ फ्यू डोमिनेंट फर्म्स, फ्यू फर्म्स होती हैं ना तो वन होती है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स नहीं होती हैं, लार्ज फर्म्स नहीं होती हैं। 23 प्राइस टेकिंग फर्म्स आर सेट टू बी, कह रहे प्राइस टेकिंग फर्म्स में जो फर्म्स होती है ना उनको हम कहते हैं कि मार्केट में उनकी बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, स्मॉल का मतलब क्या है, स्मॉल का मतलब होता है कि वो इतने स्मॉल होते हैं दैट दे कैन नॉट अफेक्ट दी मार्केट प्राइस, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं तो अकेला सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इसलिए प्राइस फिक्स्ड हो जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, तो आंसर इज डी। प्लीज़ ये मत लिखना कि उसमें लेस देन 10 एम्प्लॉयज़ होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व नहीं होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, एसेट की वैल्यू पे नहीं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यू आर स्मॉल बिकॉज यू आर इनकेपेबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। 24th क्वेश्चन फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म, अ प्राइस टेकर कौन होता है, परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म की बात हो रही है, कह रहे उस केस में एमआर और प्राइस में क्या रिलेशन होता है, उनका एमआर और प्राइस कॉन्स्टेंट होता है बिकॉज हर एडिशनल यूनिट बेच के क्या पैसे आएंगे, जो उस प्रोडक्ट का प्राइस है, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट कह रहे हैं मोनोपोलिस्टिक में और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या डिफरेंस है, आई कैन सी कुछ सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं, पहले में कह रहे हैं मोनोपोलिस्टिक फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, ये तो ट्रू है, पहला ट्रू हो गया, इसका मतलब ये नहीं हम बी सी डी नहीं पढ़ेंगे, कई बार ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शंस होते हैं तो प्लीज़ रीड ऑल दी ऑप्शंस। बी में कह रहे हैं इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म्स कैन, अब ये मत लिखना मैम इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, मुझे भी दिख रहा है ऑल ऑफ दीज नहीं है, बट हम ज़रूर पढ़ेंगे नॉलेज के लिए। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, नहीं ये फॉल्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। सी में इन मोनोपोलिस्टिक एंट्री इनटू द इंडस्ट्री इज ब्लॉक्ड, नहीं ये भी फॉल्स है, एंट्री ब्लॉक्ड होती है मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में तो फ्री एंट्री है। देर आर रिलेटिवली फ्यू बैरियर्स टू एंट्री, देर आर नो बैरियर्स टू एंट्री, देर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इनफैक्ट ये दोनों में सिमिलैरिटी है मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट में, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं दोनों में और दोनों में फ्री एंट्री एग्जिट होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए कि मोनोपोलिस्टिक में फर्म्स डिफरेंशिएट कर सकती है प्रोडक्ट्स में, उसमें नहीं कर सकते परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कह रहे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर सिमिलर, यस लॉन्ग रन में इन दोनों को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है बिकॉज दोनों में ही फ्री एंट्री एग्जिट होते हैं, तो लॉन्ग रन में जाके इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है,
that they'll always be earning normal profits. 27th question, which of the following is the feature of oligopolies? Oligopoly ka sabse main, mera dhyan hi yahan chala gaya. Interdependence, kyunki limited firms hoti hai na, to they are interdependent upon each other for the price. Ek dusre pe nazar rakhte hain wo, kyunki limited sellers hain. They can definitely keep an eye on each other's price. 28th, in which firm is the degree of control over price very large? मतलब आप ही प्राइस मेक करो मोनोपोली, और अगर यहाँ होता है ना कि प्राइस में कोई कंट्रोल है ही नहीं, फिर परफेक्ट कंपटीशन लगता है. अब आप कहोगे मैम इम्परफेक्ट पे मोनोपोलिस्टिक में भी प्राइस कंट्रोल होता है, ओलिगोपॉली में भी होता है, हम ही प्राइस मेकर हैं, होता है, लेकिन हम दूसरे सेलर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं. मोनोपोली में हम बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होते किसी से, कंप्लीट फ्रीडम हमारे पास होती है. तो आंसर इज ए. एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, 29th क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व. 30th क्वेश्चन, और चलो वही क्वेश्चन आ गया, किस मार्केट में फर्म हैज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर द प्राइस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन. क्वेश्चन 31, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कौन सी होती है? डिस्क्रिमिनेटिंग होती है मोनोपोली में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ना, आप अपने प्रोडक्ट के लिए सबसे अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो. डिफरेंट प्लेसेस, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, फॉर डिफरेंट यूजेस, कम क्वांटिटी आ रही है, ज़्यादा क्वांटिटी आ रही है, स्टूडेंट ले रहा है, अडल्ट है, सीनियर सिटीजन है, फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ, आप सबसे अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो. आंसर इज डी. कह रहे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप कब कर सकते हो? अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेम या डिफरेंट. इट इज़ डिफरेंट. क्यों डिफरेंट का मतलब पता है क्या? जैसे कहीं पे इलास्टिक डिमांड है प्रोडक्ट्स की, कहीं पे इनइलास्टिक है. अब इलास्टिक का मतलब होता है कि सामने वाला बायर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा, एकदम से हमारा प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देगा, तो वहाँ हम उसको डिस्काउंट दे देंगे. और जहाँ पे हमें लगेगा कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है, कि सामने वाला पर्सन है सो रिच, उसे प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता, हम वहाँ प्राइस बढ़ा देंगे. तो अलग अलग इलास्टिसिटी है, इसीलिए हम अलग अलग प्राइस चार्ज कर पाते हैं. किंग डिमांड कर्व क्यों होता है ओलिगोपॉली में? बिकॉज ऑफ प्राइस रिजिडिटी. प्राइस राइज करते हैं तो बाकी लोग हमें फॉलो नहीं करते, प्राइस फॉल करते हैं तो सब हमें फॉलो करते हैं. मतलब ओलिगोपॉली में ना प्राइस राइज करके फायदा होता है, ना प्राइस फॉल करके. आंसर इज प्राइस रिजिडिटी. क्वेश्चन 34th, कह रहे फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट इज अ प्राइस टेकर. हम प्राइस टेकर ही होते हैं. प्राइस टेकर क्यों होते हैं? कह रहे फर्म हैज सम कंट्रोल ओवर प्राइस. नहीं, फॉल्स, कोई कंट्रोल नहीं होता हमारा. There are so many buyers and sellers that individual firm cannot affect the market. Exactly. Price taker का मतलब ये है, हमें चुपचाप जो प्राइस बोला है हमें वही फॉलो करना है. कह रहे ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ होमोजीनियस प्रोडक्ट. ये तो सच है, लेकिन प्राइस टेकर का मतलब ही यही है. यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है ना, प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही. देर इज ईज एंट्री एंड एग्जिट. ये भी ट्रू है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स हैं. बट क्वेश्चन में ना प्राइस की बात करिए, तो प्राइस में विल टेक बी, कि इंडिविजुअल फर्म इतना छोटा हो जाता है उस मार्केट में कि वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता मतलब मार्केट के प्राइस को चेंज नहीं कर सकता. क्वेश्चन 35, सपोज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट. ओके, अब इस क्वेश्चन में ना ये नहीं बताया कौन सी मार्केट का क्वेश्चन है, बट अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पढ़ के ये भी नहीं पता चलेगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है. ऑप्शन से मुझे समझ आ रहा है कि कुछ मार्केट चैप्टर का है. कह रहे हैं अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन है? बिल्कुल भी नहीं. फर्म का तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था. फर्म कैन सेल वट एवर इट वॉन्ट्स एट द इस्टेब्लिश प्राइस. प्राइस फिक्स है ही नहीं. इस्टेब्लिश प्राइस का मतलब होता है फिक्स प्राइस. फिक्स तो है ही नहीं क्योंकि ये कह रहे हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग है. इट इज़ नॉट अ प्राइस टेकर. एब्सोल्युटली राइट, प्राइस टेकर नहीं है तभी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है. इट विल हैव टू लो डाउन द प्राइस टू सेल एडिशनल यूनिट्स. आंसर इज सी, बट डी ऑप्शन भी पढ़ेंगे. कह रहे हैं इट विल नेवर बी एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, हॉरिजॉन्टल हो, मैक्सिमम प्रॉफिट्स आप अचीव कर सकते हो. आप MRMC के इक्वल कर लो, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स होने लग जाएंगे. तो डी इज फॉल्स. क्वेश्चन का आंसर विल बी सी. 36th क्वेश्चन, कह रहे हैं एक टूथपेस्ट इंडस्ट्री में ये सारी फर्म्स हैं, इनका ये मार्केट शेयर है. मतलब ये पता क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे पहला ब्रांड है उसका नाम ही टूथपेस्ट है, फिर डेंटी पेस्ट, शाइनी ब्राइट, ये सारे ब्रांड्स हैं. इनके परसेंटेज कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6. दे आर 6 डोमिनेंट फॉर्म्स है और कुछ अदर्स हैं ना. अदर्स का मतलब होता है उनका बिल्कुल नाम ही नहीं है, उनका मार्केट में शेयर कम है या बहुत छोटी मोटी फॉर्म्स हैं. तो इसको हम कौन सी इंडस्ट्री बेस्ट, जब इतने लिमिटेड सेलर्स होते हैं ना, इट इज़ मोनोपोली बोल नहीं सकते.
परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक है नहीं, क्योंकि परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, हर किसी का शेयर बहुत कम होता है मार्केट में. लाइक यहाँ पे तो किसी का बहुत बड़ा शेयर भी है, दे कैन डेफिनेटली इन्फ्लुएंस द प्राइस. तो आंसर इज ओलिगोपॉली. किंग डिमांड कर्व क्यों होता है ओलिगोपॉली में? मैंने अभी बताया था, किंग डिमांड कर्व इसलिए होता है क्योंकि अगर हम प्राइस राइज करते हैं तो लोग हमें फॉलो नहीं करते हैं, लोग मतलब बाकी सेलर्स, क्योंकि प्राइस राइज करते ही हमारे कंज्यूमर्स दूसरों के पास चले जाते हैं, और प्राइस फॉल करते ही सारे सेलर्स प्राइस फॉल कर देते हैं. तो ऑप्शन देखते हैं. कह रहे रिस्पॉन्स ऑफ द कंज्यूमर्स टू द प्राइस इंक्रीज इज लेस. अरे नहीं, प्राइस इंक्रीज पे तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं. हमने ज़रा सा प्राइस इंक्रीज करा ना, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगी. इलास्टिक होता है प्राइस राइज पे, क्योंकि लिमिटेड सेलर्स है ना, किसी एक ने प्राइस बढ़ाया कस्टमर दूसरे सेलर के पास चला जाएगा. तो आंसर इज बी. सी क्यों नहीं है? इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट नहीं होती. किंग डिमांड कर्व में तो इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट नहीं होती, ऊपर फ्लैट होता है नीचे स्टीप होता है. इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक का तो मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसा नहीं है. आंसर इज बी. 38th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शट डाउन पॉइंट. हमें कब शट डाउन करना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे हम जज करते हैं. अगर आपका एवीसी प्राइस के इक्वल है, आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, शट डाउन भी कर सकते हो. बट क्वेश्चन में पूछा कि क्या हम शट डाउन कर सकते हैं जब एवीसी प्राइस के इक्वल है? डेफिनेटली, क्योंकि आपकी जस्ट वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है, आपका प्राइस मार्केट में ज़्यादा अच्छा नहीं है. वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ यू नो प्रोड्यूसिंग अ गुड. अगर वो बिल्कुल प्राइस के बराबर है तो प्रॉफिट होने के कोई चांस नहीं है, यू कैन शट डाउन. 39th क्वेश्चन नंबर 39. कह रहे सपोज दैट एट अ प्राइस मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, प्राइस मैक्सिमम होता है एम आर इक्वल टू एम सी. कह रहे फर्म फाइंड्स दैट द मार्केट प्राइस इज लेस देन द एवरेज टोटल कॉस्ट, बट प्राइस इज ग्रेटर दैन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस कम से कम वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होनी चाहिए. टोटल कॉस्ट एकदम से रिकवर नहीं हो सकती है, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट कई बार बहुत ज़्यादा होती है, बट वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होनी ज़रूरी है जो क्लियरली हो रही है. तो शट डाउन नहीं कहेंगे. इट शुड रेज इट्स प्राइस टू कवर इट्स लॉसेज. नहीं, प्राइस राइज करेंगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगी. इट शुड मूव इट्स रिसोर्सेज टू अनदर इंडस्ट्रीज, का मतलब यही है कि वो ये बिजनेस बंद करके कुछ और कर लें. नहीं, इट शुड कॉन्टिन्यू टू ऑपरेट. आप कॉन्टिन्यू करते रहो. क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइस 30 है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट लेटेस्ट अज्यूम 22 है, तो 8 रुपीज़ का तो प्रॉफिट हुआ ना. धीरे धीरे करके आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी. सो क्वेश्चन का आंसर इज डी पॉइंट. 40th कह रहे व्हेन प्राइस इज लेस देन एबीसी, गड़बड़ है क्लियरली, शट डाउन. अब दोनों में शट डाउन लिखा है तो पढ़ लेते हैं. कह रहे सिंस इट विल लूज नथिंग इन दैट केस. नहीं, लॉस तो हो ही रहा है. सिंस इट कैन नॉट इवन कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट इफ इट स्टेज इन द बिजनेस. क्वेश्चन 41st वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्योरली कॉम्पिटेटिव फॉर्म. देखो कॉम्पिटेटिव फॉर्म का मतलब वही होता है, परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फॉर्म. फिर उनका सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है? उनकी सप्लाई डिपेंड करती है उनके मार्जिनल कॉस्ट में. एक्चुअली होता क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस तो हमने डिसाइड करानी, हमारे तो हमें तो बस हमारी मार्जिनल कॉस्ट पता है, तो और मार्जिनल कॉस्ट पता है और हमें हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पता है. तो हम तो क्या देखते हैं कि अगर प्राइस कम है ना हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो हम सप्लाई नहीं करेंगे. जैसे ही प्राइस बढ़ेगा मार्केट में, वो हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कम से कम टच कर रहे हैं, हम सप्लाई करेंगे. प्राइस और बढ़ेगा, हम और सप्लाई करेंगे. मतलब जो हमारी सप्लाई होती है ना, वो हमारे मार्जिनल कॉस्ट पर डिपेंड करती है, वो वाला मार्जिनल कॉस्ट जो एबीसी के अबव लाए करते हैं. 42 क्वेश्चन. वन कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ नॉट टिपिकल टू ओलिगोपॉली. कह रहे इसमें से ओलिगोपॉली का फीचर कौन सा नहीं है? पहला ही मुझे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व नहीं होता. ओलिगोपॉली का होता है किंग डिमांड कर्व. तो ए है, बट बाकी भी पढ़ लेते हैं. कह रहे हैं इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? ये तो नहीं है. टू मच इंपॉर्टेंस टू नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन. ये तो ट्रू है, ओलिगोपॉली में नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है क्योंकि लिमिटेड सेलर्स होते हैं ना, प्राइस के बेसिस पे नहीं लड़ते, वो प्राइस तो रिजिड हो जाता है उसमें. प्राइस लीडरशिप भी होती है इसमें, कोई एक प्राइस डिसाइड कर लेता है, बाकियों को उसको फॉलो करना पड़ता है. देर आर स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, ये भी ट्रू है, ओलिगोपॉली में कम फर्म्स होती हैं. आंसर इज ए. टूथपेस्ट इंडस्ट्री इंडिया की क्या है, ये आपको ना याद रखना है, मोनोपोलिस्टिक. कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री इज ओलिगोपोलिस्टिक, जो हमारे स्टडी मटेरियल में दे रखा है, हमें यही याद रखना है. अब प्लीज़, मुझे किसी बच्चे ने ये डाउट पूछा था कि मैम आपने यहाँ पे कहा टूथपेस्ट इंडस्ट्री इज मोनोपोलिस्टिक,
और थोड़ी देर पहले क्वेश्चन गया था, आपने इसमें कहा इट इज ऑलिगोपॉली, बट इस क्वेश्चन में ना उन्होंने ये गिवन है कि यही सेलर्स हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कोई लिमिटेड सेलर्स नहीं है, अब इंडिया का रियल एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, तो रियल एग्जाम्पल में इंडिया में देर आर मेनी मेनी सेलर्स, इसलिए हम उसको मोनोपोलिस्टिक बोलते हैं। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इवन अ मोनोपोलिस्टिक फर्म कैन हैव लॉसेस, ट्रू, मोनोपोली को भी लॉस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्म्स इन अ परफेक्टली क्यों हो सकते हैं, बिकॉज आप अननेसेसरी प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हो, आप ज़्यादा प्राइस रखोगे तो लोग आपका कोई ना कोई सब्सटीट्यूट ले लेंगे, कोई जुगाड़ ढूंढ लेंगे। बी कह रहे हैं फर्म्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट अ प्राइस टेकर, एब्सोल्युटली ट्रू, इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अ फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट टू डिस्क्रिमिनेट प्राइस, आप कर ही नहीं सकते परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिस्क्रिमिनेट, आंसर तो इसका सी है। परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन किस में कर सकते हैं, मोनोपोली में, परफेक्ट में तो प्राइस फिक्स्ड है। कह रहे ओलिगोपॉली में किंग डिमांड कब होता है, एब्सोल्युटली ट्रू, तो आंसर इज सी। कह रहे अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन, पीछे भी क्वेश्चन आया था, लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, देर विल बी नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा होगा ना किसी बिजनेस में, न्यू सेलर्स एंटर कर जाएंगे उस बिजनेस में, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स लॉन्ग रन में कमा ही नहीं पाओगे, यू विल ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स जज कैसे किए जाते हैं, देखो अगर क्वेश्चन में आए मैक्सिमम प्रॉफिट्स कहाँ होते हैं, तो हम एम सी इक्वल टू एम आर टिक करेंगे, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट्स ए सी इज इक्वल टू ए आर। 48 कह रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो मिनिमम पॉइंट होता है एवरेज कॉस्ट का, जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो एम आर भी यही है, ए आर भी यही है, और एम सी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। कह रहे फर्म्स मस्ट बी प्रोड्यूसिंग एट द मिनिमम पॉइंट, कह रहे अगर वो ए सी के मिनिमम पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है तो क्या क्या इक्वल होगा, अगर मिनिमम पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होगा, मस्ट बी प्रोड्यूसिंग एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट, तो ए सी ए आर के इक्वल होगा एम सी ए सी के। पता है इस क्वेश्चन में ना इन्होंने इस चीज़ पे फोकस करा है कि ए सी का मिनिमम पॉइंट है, इस चीज़ पे फोकस नहीं करा कि इक्विलिब्रियम पे, क्वेश्चन में कहीं इक्विलिब्रियम नहीं गिवन है, एम सी एम आर नहीं गिवन है, मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी तो कहीं भी हो सकता है, मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी, लेकिन एक बात है कि जहाँ भी मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी होगा ना वहाँ पे एम सी ए सी के इक्वल ज़रूर होगा, बाकी पॉइंट जरूरी नहीं है। जो मैंने पहले ग्राफ बनाया था मैंने नॉर्मल प्रॉफिट अज्यूम कर लिया था, बट क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा है मिनिमम एसी, तो एसी मिनिमम होती है वहां पे, एमसी इक्वल होता है, तो आंसर विल बी 48 का बी। 49th कह रहे देयर बी एलोकेटिव एफिशिएंसी मीनिंग देयर बाय दैट द कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट, लास्ट यूनिट का कॉस्ट एमसी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्राइस कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे, एंड सो दैट द राइट गुड्स आर बींग सोल्ड टू द राइट पीपल एट द राइट प्राइस, एम सी इज इक्वल टू प्राइस है, और प्राइस को हम ए आर के इक्वल भी बोलते हैं, सो एम सी इज इक्वल टू ए आर। एग्रीकल्चर गुड्स डिपिक्ट विच कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोज टू, हम बोलते हैं एग्रीकल्चर गुड्स को ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन से थोड़ा सा मैच करता है, रीज़न एक तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है ना, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते ना एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को, लाइक वीट है तो वो एक ही जैसी वीट है, आई अंडरस्टैंड क्वालिटी होती है, चेंजेस होते हैं, बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ना हम मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बस ये कह रहे हैं कि काफ़ी फीचर्स मैच करते हैं एग्रीकल्चर में परफेक्ट कॉम्पिटिशन के, प्राइस भी गवर्नमेंट फिक्स करवा देती है एमएसपी की वजह से, और क्वालिटी भी हमारा कंट्रोल नहीं होता ना, हम उसमें ब्रांडिंग नहीं कर सकते ना ज़्यादा, तो इसलिए उसमें एग्रीकल्चर को हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन से मैच, ऑलिगोपॉली नहीं बोल सकते, लिमिटेड सेलर्स नहीं है, मोनोपोली नहीं बोल सकते, सिंगल सेलर नहीं है, मोनोपोलिस्टिक नहीं बोल सकते क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते, एप्पल टोमेटो अनियंस कई होंगे, ये सेम ही होगा, इट्स वन प्रोडक्ट ओनली। 51st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पिटेटिव मार्केट, देखो कॉम्पिटेटिव मार्केट का मतलब होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात हो रही है, और इसका कौन सा फीचर नहीं है, कह रहे देर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स, ये तो ट्रू है, गुड्स ऑफर्ड आर लार्जली द सेम, एब्सोल्युटली ट्रू, दे कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन, बिल्कुल भी नहीं, फर्म्स कैन फ्रीली एंट्री एंड एग्जिट, ये भी ट्रू है, आंसर इज सी। अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। 52 कह रहे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कौन सी, अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन फीचर के मैच करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, लाइक
लेसर यूनिट्स पे कम बिल आता है, आप जैसे जैसे यूनिट्स की कंजम्पशन होती है तो पर यूनिट बिल कॉस्ट बढ़ जाती है ना। केबल टेलीविजन अगेन डिस्क्रिमिनेटिंग है, हर जगह अलग अलग चार्जेस हैं। कोका कोला, कोला को हम कोल्ड ड्रिंक को, अगर आपको याद हो पीछे भी क्वेश्चन आया था, ऑलिगोपॉली में काउंट करते हैं। मिल्क को हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में काउंट करेंगे। रीज़न, प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है, होता नहीं है सेम, आई नो प्राइजेस में डिफरेंस होते हैं, लेकिन हम इसको काफ़ी ज़्यादा क्लोज बोल सकते हैं क्योंकि मिल्क ना एक ही तरीके का होता है। मिल्क ये लोग करने लग गए हैं डिफ्रेंसिएशन, फुल क्रीम आता है, डबल टोन, लेकिन मिल्क बेस तो सेम ही है ना। मिल्क इज़ अ वन प्रोडक्ट ओनली, आप उसको इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। 53rd क्वेश्चन, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज एक्यूरेट रिगार्डिंग अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फॉर्म? डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिल्कुल भी नहीं भाई, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। डिमांड कर्व ऑलवेज लाइज अबव दी आर्म? बिल्कुल भी नहीं, इनका डिमांड कर्व और MR तो बिल्कुल ओवरलैप करता है, सेम करता है, अबव नहीं होता। एवरेज रेवेन्यू नीड नॉट भी इक्वल टू प्राइस? इम्पॉसिबल, एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के इक्वल होता है। आंसर तो इसका डी है, पढ़ लेते हैं। प्राइस इज गिवन एंड इज डिटर्मिंड बाय द इक्विलिब्रियम। यस, प्राइस इसमें गिवन होता है, पहले से ही फिक्स्ड होता है, और वो कैसे डिसाइड किया जाता है? मार्केट फोर्सेस, पूरी मार्केट की डिमांड, पूरी मार्केट की सप्लाई देख ली जाती है, जो प्राइस है बस चुपचाप वो प्राइस ले लिया जाता है। 54th क्वेश्चन, कह रहे द मार्केट फॉर हैंड टूल्स सच एज हैमर्स एंड स्क्रू ड्राइवर्स इज डोमिनेटेड बाय ड्रेपर्स, स्टैनली एंड क्राफ्ट्समैन, दिस मार्केट इज बेस्ट। वो ये कह रहे इस क्वेश्चन में कि एक मार्केट है हैमर्स की, उसमें से तीन ही सेलर्स हैं, तो कौन सी मार्केट होगी? ऑलिगोपॉली, बिकॉज फ्यू सेलर्स। कह रहे एक मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें मैनी फर्म्स हैं, दे आर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स बट नॉट आइडेंटिकल इज नोन एज। देखो अगर आइडेंटिकल होते ना तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता। मोनोपोली इसलिए नहीं है क्योंकि सिंगल सेलर नहीं है, ऑलिगोपॉली इसलिए नहीं है क्योंकि फ्यू फर्म्स नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर विल बी मोनोपोलिस्टिक, दे सेल सिमिलर प्रोडक्ट्स बट दे आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, ब्रांडिंग वगैरह चेंज कर देते हैं अपना ही प्रोडक्ट को, थोड़ा उसका कलर शेप फ्रेग्रेंस चेंज करके प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं। 56th क्वेश्चन, एक काम करते हैं, 56th और 57th क्वेश्चन मैं स्किप करती हूँ, देखती हूँ मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने बोला है कि स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ज़रूर पढ़ने आइए, पढ़ते हैं या नहीं, अगर तुमने पढ़ लिया तो मुझे मैसेज करना मैम, यू हैव स्किप 56th और 57th, बट तुम लोग कर लेना क्वेश्चन, आंसर लिख देना, आई विल क्रॉस चेक, क्रॉस चेक मतलब आई विल डिस्कस विद यू। 58th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट? फ्री एंट्री एग्जिट होता है, होता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन? बिल्कुल भी नहीं, लॉन्ग रन में इनको होते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स, मैनी सेलर्स, ये भी ट्रू है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ये भी ट्रू है, आंसर इज बी। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट सप्लाई इज फिक्स्ड। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब पता है क्या होता है? जिन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, लाइक मिल्क, आप उसकी सप्लाई अचानक से चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है ना, सेलर अक्सर उनके प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखता है ताकि कभी भी शॉर्टेज ना हो। लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में मिल्क के केस में आप बहुत ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि बायर आता है और आप उसे मना कर देते हो, बिकॉज योर सप्लाई इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट इवन, आप उस समय भी नहीं कॉल करके बोल सकते अपने होलसेलर को भाई सामान भिजवा दे, वो कहेगा सर हमारे इधर भी खत्म हो गया, क्योंकि लिमिटेड होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट चेन में ही आएगा वो, नेक्स्ट सप्लाई चेन में। टाइम एलिमेंट वॉज कंसीव्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल। 61st क्वेश्चन, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वान्टिटी। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? TR अपॉन क्वान्टिटी। रेवेन्यू अर्नड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। AR कैन बी सिम्बॉलिकली रिटन एज TR बाय क्यू। AR इज ऑल्सो नोन एज प्राइस। ईजी क्वेश्चन। मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी डिफाइंड एज, मार्जिनल रेवेन्यू होता है डेल्टा TR अपॉन डेल्टा क्यू। चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। परचेज नहीं, रेवेन्यू में सेल की बात हो रही है, सब्सिक्वेंट सारे यूनिट्स नहीं, मार्जिनल मीन्स ओनली वन एडिशनल यूनिट। 66th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इलास्टिसिटी और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच का जो फॉर्मूला है, क्वेश्चन में कह रहे हैं ई इज ग्रेटर देन वन, अब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ई इज ग्रेटर देन वन कुछ भी ले लो 1.52, तो आंसर मेरा क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर ई इक्वल टू वन हो जाएगा तो 1 माइनस 1 जीरो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज जीरो, और ई लेस देन वन हो जाएगा, अगर लेस देन वन जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.5,
तो मेरा आंसर नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज 0.5 माइनस 1 नेगेटिव हो गया, एम आर विल बी नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तीनों, कोई ना कोई आ सकता है एग्जाम में। 69th, मार्केट किसको कहते हैं? अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर बार्गेन। कह रहे डू नॉट बार्गेन, ऐसा नहीं होता, मार्केट में तो बार्गेन होता है बिकॉज बायर वॉन्ट्स लोअर प्राइस, सेलर वॉन्ट्स हायर प्राइस। सो मार्केट इज ए ऑप्शन, ठीक लग रहा है, बट डी भी पढ़ लेते हैं। ए आंसर इज ए। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर एंड नॉट अ प्राइस मेकर। मोनोपलिस्ट क्या होता है? प्राइस मेकर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन सी मार्केट में होती है? मोनोपली। अंडर मोनोपली द डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, हम ही हैं अकेले प्राइस मेकर ही, हमें सब कुछ ही हमें। वेरी कॉन्सेंट्रेट, वेरी कॉन्सेंट्रेट मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल है हमारा। पेरिशेबल गुड्स की अक्सर मार्केट कौन सी होती है? रीजनल लोकल। जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना लाइक बटर एग्स, उसकी लोकल मार्केट होती है। लोकल मतलब हम लिमिटेड जगहों पे उस चीज़ को सप्लाई कर सकते हैं जनरली। 75th क्वेश्चन, एट प्राइस P1 द फर्म वुड प्रोड्यूस। देखो हम प्रोड्यूस करें ना करें, शट डाउन करें ना करें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आई कैन सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो ये है जो कि P1 से ऊपर है। तो अगर तो मार्केट का प्राइस P1 है तो ये फर्म तो बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस करेगी। आंसर इज ए। इस क्वेश्चन में बताया इनडायरेक्टली इन्होंने वो लॉजिक पूछ लिया कि प्राइस शुड बी एटलीस्ट या तो इक्वल होता कम से कम ABC के, या तो ABC कम से कम इस प्राइस लाइन को टच कर रहा होता तो भी हम कंटिन्यू करने का सोचते। तो ABC रिकवर होनी चाहिए। प्राइस कम है, ABC ज़्यादा, तो वी विल नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट। सेकुलर पीरियड इज ऑल्सो नोन एज वेरी लॉन्ग पीरियड। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को हम रेगुलेटेड बोलते हैं बिकॉज सेबी उसको रेगुलेट करती है। मार्केट फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर्स इज नोन एज रिटेल मार्केट, जहाँ पे अल्टीमेट कंज्यूमर्स सामान खरीदने आते हैं। प्योर कॉम्पिटिशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्री एंट्री एग्जिट, होमोजीनियस। ये नहीं होता परफेक्ट नॉलेज, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आता है। सो आंसर इज ए एंड बी बोथ। प्योर ऑलिगोपॉली कौन सी होती है? जहाँ प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है। अगर ऑलिगोपॉली में इंडस्ट्रीज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म, उसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑलिगोपॉली। ये ना जो ऑलिगोपॉली के टाइप्स हैं ना, इनकी डेफिनेशन ज़रूर करनी है, क्वेश्चन आने का एग्जाम में चांस है। वेन दी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज बॉडी इट इज नोन एज सिंडिकेटेड ऑलिगोपॉली। कह रहे वेन दी मोनोपोलिस्ट डिवाइड्स दी कंज्यूमर्स इनटू सब मार्केट्स इट इज नोन एज। सब मार्केट्स का मतलब यही होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज अलग हो गई, अर्बन एरियाज अलग हो गई, एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे। इसको बोलते हैं थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू मस्ट डू। इसमें प्रोड्यूसर विल टेक अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस, वो होती है फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री में क्या होते हैं, हम कंज्यूमर सेगमेंट नहीं देखते रूरल एरिया, हम हर इंडिविजुअल कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, हर इंडिविजुअल कंज्यूमर से बार्गेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जितना वो उसकी पेइंग कैपेसिटी हो ना उतना प्राइस उससे फेच कर लें। ये तीन डिग्रीज हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, किसने दी थी? पिगू ने। आप प्लीज़ तीनों डिग्रीज को जरूर पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू टाइम, साइज ऑफ द परचेज, इनकम, एनी ऑफ द अबव। मोनोपोली जैसे टाइम के बेसिस पे होती है, फ्लाइट्स के कई बार चार्जेस महंगे हो जाते हैं ना सिंपली बिकॉज आप एक दिन पहले फ्लाइट बुक कर रहे हो, बहुत एक्सपेंसिव होगा। साइज ऑफ द परचेज, आप ज़्यादा चीज़ें ले रहे हो तो हम आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे। इनकम, रिच क्लास पुअर क्लास, आप AC क्लास की टिकट ले रहे हो, आप नॉन AC ले रहे हो, आप जनरल ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आप रिटायर्ड हो, आप सीनियर सिटीजन हो, इन सब बेसिस किसी भी बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। फर्म एंड इंडस्ट्री वन एंड द सेम इन मोनोपोली। डिमांड कर्व मोनोपोली का क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इफ एवरेज कॉस्ट इज हायर देन एवरेज रेवेन्यू, फर्म विल बी इनकरिंग अ लॉस। देखो अगर एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होगा तो नॉर्मल प्रॉफिट, अगर एवरेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो लॉस, और अगर एवरेज कॉस्ट कम है आपके एवरेज रेवेन्यू से तो हम कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या सुपर नॉर्मल को हम एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? प्राइस रिजिडिटी मोनोपोली में होती है? नहीं, प्राइस रिजिडिटी तो ऑलिगोपॉली में होती है। सेलिंग कॉस्ट आर पॉसिबल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन? नहीं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपको सेलिंग कॉस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सेम प्रोडक्ट एवरीवेयर। ये तो फॉल्स हो गया, क्वेश्चन में पूछा गया है इस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट मूव फ्रीली एज देर आर लीगल रिस्ट्रिक्शंस। नहीं, ये भी फॉल्स है, नो रिस्ट्रिक्शंस, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है। एंड इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मेनी फर्म्स, ट्रू। इंडस्ट्री क्या होती है? सेट ऑफ फर्म्स।
यही पूछा था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कह रहे हैं अंडर मोनोपोली देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ फर्म एंड एन इंडस्ट्री, ट्रू। मोनोपोलिस्ट क्या आउटपुट को कम कर सकते हैं, प्राइस को रेज कर सकते हैं, येस उसकी अपनी चलती है। कमोडिटीज ऑफर्ड फॉर सेल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, हेट्रोजीनियस बिल्कुल नहीं, होमोजीनियस होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, तो आंसर तो इसका सी है। डी में कह रहे हैं प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होती है मोनोपोलिस्टिक में, येस हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। फॉर मार्केट द एसेंशियल कंडीशन इज, कह रहे मार्केट में क्या होता है, पर्टिकुलर प्लेस पे ही होती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है या बायर एंड सेलर, आंसर सी, मार्केट के लिए बायर्स होना जरूरी है एंड सेलर्स। क्वेश्चन नंबर 92 इज अगेन सेम, हमने स्टार्टिंग में करा था क्वेश्चन 2 3 ऐसे सेम थे मार्जिनल रेवेन्यू का, आप प्लीज़ खुद ट्राई करें, फॉर्मूला लगाएं मार्जिनल रेवेन्यू का एंड प्लीज ट्राई, इट इज एब्सोल्युटली सेम। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी आई गेस पहले आया था, एवरेज रेवेन्यू होता है टी आर बाई क्यू, सो ये नहीं हो सकता, प्लीज़ गलती से भी जल्दबाजी में ए मत टिक करना। चेंज लिखा है यहाँ पे, चेंज जो ए है ना वो तो एम आर का आंसर है, चेंज की वजह से आंसर नहीं है। कह रहा है इट इज इक्वल टू नथिंग बट दी प्राइस, एब्सोल्युटली राइट, बट दी कह रहा है ए आर इज इक्वल टू दी प्राइस, आंसर इज बी। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, नहीं, इट इज द फॉर्म सप्लाई कर्व, नहीं, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है हमारा, प्राइस, प्राइस होता है ना, क्योंकि टी आर का फॉर्मूला लगा लो। कह रहे हैं जनरली इंटरनेशनल मार्केट किन प्रोडक्ट्स की होती है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, हम उनके इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जो स्मॉल बल्क कमोडिटीज होंगे ना, मतलब कम जगह घेर के भी दे कैरी अ लॉट ऑफ वैल्यू, आप उनको इंटरनेशनल इजीली ट्रांसपोर्ट करके सेल आउट कर सकते हो। वीकली मार्केट्स वो जो होती है ना हमारे घर के पास में, शनि बाजार, शुक्र बाजार, वो कौन सी मार्केट्स होती हैं, दे आर अनरेगुलेटेड, कोई उनको रेगुलेट नहीं कर रहा, जैसा चाहे सामान बेचे, बार्गेन भी बहुत ज़्यादा होती है, नो कंट्रोल ओवर प्राइस, नो कंट्रोल ओवर क्वालिटी क्वांटिटी, कुछ भी, नो रिस्ट्रिक्शंस। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस होती हैं, एक तो एम आर इक्वल टू एम सी एंड एम सी शुड कट फ्रॉम बिलो, एम आर इज इक्वल टू एम सी, देखो ये हो गया एम आर, ये हो गया एम सी, ये इक्विलिब्रियम होता है ना, इट शुड कट फ्रॉम बिलो, या ये भी कह सकते दैट एम सी हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, सो आंसर इज डी, ए नहीं होगा बी नहीं होगा, क्योंकि ए बी से बेटर है डी ऑप्शन। नेचुरल मोनोपोली कब होती है, नेचुरल मोनोपोली का मतलब होता है दे आर वेरी लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पीछे भी इस पर क्वेश्चन आया था कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई होती है कि हमें मोनोपोली करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई है तो अगर हमारे कंज्यूमर्स किसी और के पास चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट एग्जिस्ट अंडर विच फॉर्म, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्योंकि प्राइस इज फिक्स्ड। स्वीजी का मॉडल, प्राइस रिजिडिटी ऑलिगोपॉली मार्केट का है। कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोली होता है सिंगल सेलर, मोनोपोली होते हैं सिंगल बायर, और इन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं बायलेटरल मोनोपोली मार्केट। प्राइस वेरीज बाय एट्रीब्यूट्स, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। जो क्वेश्चन मैंने स्किप करे हैं या मैंने आपको कहा है प्लीज़ डेफिनेटली डू गिव देम अ ट्राई, एंड इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल के भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल की सॉल्व कर चुकी थी, उनको भी एक बार वो वीडियो भी देख लेना, एंड इसके आगे आई विल बी डूइंग ऑल दी चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में है, एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, सितंबर अटैम्प्ट हो आपका या जनवरी अटैम्प्ट हो, क्वेश्चन सेम है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।